बेसिक जो हमारा टॉपिक है आज का वो है क्लासेस, ठीक है। और क्लासेस को इंशाल्लाह देखते हैं फर्दर मजीद डिटेल के साथ। क्लासेस के बारे में तुम लोगों को क्या क्या ख्याल है, क्या कहते हो, क्लासेस क्या होती हैं? हाँ भाई, क्लासेस के बारे में आप लोग क्या कहते हो? यानी आप व्हाट डू यू नो अबाउट क्लासेस, इवन मैं अगर सिंपल पूछूं तो। मुझे सबका इनपुट चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लासेस एक खास तरह के न्यू स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर हम क्या कह रहे हो? लोग क्लासेस एक खास तरह के न्यू स्पेसेस होते हैं सही। जिसके अंदर हम लोग बेसिकली फंक्शंस या फिर उसके हिसाब से वो कॉल कराते हैं, मेथड्स कॉल कराते हैं और फिर उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और और उसके कोई? अंदर रिलेशंस वगैरह भी क्या नाम है बना सकते हैं पेरेंट्स एंड चाइल्ड के, हमें अगर किसी क्लास को किसी क्लास में कॉल कराना है तो वो किस तरह कॉल कराएंगे, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। सही, और कोई? सर, क्लासेस में मेथड्स हम दे सकते हैं, साथ इनहेरिटेंस करवा सकते हैं क्लास थ्रू। और कोई? देखो, क्लासेस के साथ क्या करवा सकते हैं ये तो बात और है, क्लासेस खुद क्या होती हैं ये बताओ। इटसेल्फ मैं कहूँ कि एहसास क्या कौन है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा कि एजाज जो है वो जॉब कर सकते हैं, एजाज जो है वो पढ़ सकते हैं, एजाज जो है वो फॉर एग्जांपल खाना खा सकते हैं, एजाज जो है वो सो सकते हैं। ये तो उनका उनके फंक्शन है। एजाज के फादर हैं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। एजाज की मदर है तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। एजाज के दो भाई हैं, ठीक है, और मैं एजाज का दोस्त हूँ। अब ये क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। मैं मोहसिन का दोस्त हूँ, ठीक है, मैं फरहान का दोस्त हूँ। फरहान जो है ना उसके उसके भाई ये हैं, उसके भाई ये हैं, उसके कजन हैं, ये उसके फादर हैं, उसकी मदर हैं, ये इन्फॉर्मेशन हो गई ना। ये कह सकते हैं कि फरहान जो है ना वो लेट से खाना खाते हैं तो ये फरहान का फंक्शन हो गया, फरहान जो है वो वॉक करते हैं तो ये फरहान का फंक्शन हो गया। लेट से फंक्शन भी आ गया, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी आ गई कि जी फरहान के फादर हैं, फरहान का ये नेम है, फरहान की एज ये है, या तकी का नेम ये है, तकी की एज ये है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज और फंक्शन हो गए, ठीक है। इट सेल्फ क्लास क्या होती है, एटलीस्ट जो 10C वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं ना उनको तो पता होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन जावा। जी, और आई थिंक सबको पता होगा क्योंकि जावा तो यहाँ पे सबने ही पढ़ी है उनसे। क्लासेस क्या होती है भाई, मैं आगे वाकई नहीं बढ़ूंगा, मुझे जब तक आंसर नहीं मिलेगा। सर जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस रख सकते हैं, उनके जरिए से काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? सबसे आंसर्स चाहिए मुझे, इरफान, सरमद और हमास रिमेनिंग। है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली प्रोग्रामर बात आ गई, बिल्कुल सही। इरफान साहब, वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, क्लासेस क्या होती हैं सर बताइए, वेट कर रहा हूँ, आखिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे सबके आंसर नहीं मिलेंगे। सर। क्लासेस सर होती है बहुत जिसके सारे अंदर आप प्रॉपर्टीज मेथड वगैरह मेथड जो है ना। हेलो, इनहेरिटेंस कराना। हाँ बताओ बताओ इरफान, सर बताओ। प्रॉपर्टी क्लासेस वो होती हैं जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज जो है ना किसी उसकी आप लिखते हैं और फिर उसको रीयूज करते हैं। एक यानी आपने एक इसको आसान जबान में बोलो तो एक ढांचा होता है जिसको आप बाद में रीयूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सही मल्टीपल सॉरी वो बनाते हैं। सही, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और सरमद और हमास? सरमद और हमास क्लासेस भाई, इनको उठाए कोई, या फिर मैं इनको क्या करूं, इनको भी उठाए वरना जाहिर है हम रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
बिकॉज मैं पूछ रहा होता हूँ अगली क्लास के अंदर, पिछली क्लास का तो यूजुअली याद नहीं रह रहा, याद नहीं रहता है, तो इसलिए हम मास्क को उठाए कोई जरा फोन वोन करके, मुझे लग रहा है सो गया कनेक्ट करके। वाह, वो क्लासेस में सारी चीजें काउंट होती हैं, जाहिर है। हम मास्क को उठाए कोई, हाँ मास्क सर उसको उठाने का कोई फायदा नहीं है। सुन रहे हो तो मैसेज में हम मास्क कुछ लिख दो, मैं तो मेरे मूव कर रहा हूँ। कुछ भी लिख दो, प्रेजेंट लिख दो, अटेंडेंस बता दो, मैं वरना रिमूव कर रहा हूँ सर मास्क को। सर कर रहा है मैसेज वो, मेरी बात हुई, कह रहा है मेरा माइक खराब है, नहीं चल रहा सही, मैसेज कर रहा है। अरे कनेक्टेड आ रहे है, कैसे नेट नहीं सही सही चल रहा, टोपी करा रहे माइक माइक माइक, अरे माइक बोल रहा है, मैसेज टाइप कर दे भाई। बोल दिया मैंने तो, मैसेज टाइप कर दे। सब्सक्राइब कर दो और उससे को कनेक्टेड रहे, रैंडमली पूछ लूंगा कुछ भी। मुबीन क्लासेस क्या होती है बेटा? मुबीन ने ज्वाइन किया ना? हाँ मुबीन ने ज्वाइन किया। मुबीन बेटा क्लासेस क्या होती है जरा बताओ। अच्छा हाँ हाँ बताओ बताओ, देखो मसला नहीं है। जावा रिवाइज करो जरा, जावा की साइट में जाके देखो क्लासेस क्या होती है। गूगल क्लासरूम ओपन करो, जावा की साइट में जाओ और जावा की स्लाइड्स में से जाके देखो कि क्लासेस क्या होती हैं। आई थिंक उसके लेक्चर में हमने कवर किया है कि क्लासेस होती क्या है। हाँ बिल्कुल कवर किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक से पहले शायद आई थिंक हमने कवर किया है, पहले दूसरी तीसरी क्लास में या पहली क्लास में कवर कर दिया होगा। अब से ऐसे ही पढ़ेंगे भाई, जब से इनपुट नहीं है, जब तक इनपुट नहीं आएगा पुरानी क्लास के तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ही क्लास होती है जिसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम मास कोशिश किया करो कि अटेंटिव रहो। नेक्स्ट टाइम 2 से 3 मरतबा कॉल करूंगा, उसके बाद रिमूव कर दूंगा किसी को भी, किसी को भी। यानी वो ऐसे स्टूडेंट भी हो सकता है कि जो जिसको मैं कहता हूँ कि हाँ ये जो है ना वो लेट से बिल्कुल अटेंटिव है, लेट सरमत को मैंने इसीलिए कुछ नहीं कहा, या मैंने सरमत को इसीलिए ये वाली बात नहीं की कि तुम मैं लीव करवा दूंगा या मैं इधर से रिमूव कर दूंगा। मुझे पता है ये जाग रहा होता है और मैं 6-8 महीने इसको पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसे नहीं है ये सो रहा होगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं कहा। बट मुझे हमास ने बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसलिए मैंने इसको फिर एक पॉइंट पर आके कहा। तो इसलिए अब नेक्स्ट क्लास से मैं सरमत को भी कहूँगा अगर सरमत मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मैं चलता हूँ आगे, मुबीन अपना आंसर जल्दी से चैट में लिखो। सो बेसिकली अगर देखें तो क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस स्विफ्ट के अंदर ना बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने शायद ये वर्ड यूज किया था कि बिल्डिंग ब्लॉक है। हम फंक्शंस के लिए वर्ड यूज करते हैं बेसिकली कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है या लेट्स से एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर आपको याद हो हमने पहले भी क्लास का यानी क्लास के बारे में डिस्कशन की थी। क्लासेस ना बेसिकली लाइक ब्लूप्रिंट होती हैं। ठीक है, जैसे जब भी अगर आप देखो तो कभी आपने नोट किया हो या कभी आपने लेट से इस बात को देखा हो, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही होगी ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर्स वहाँ पर वो बनाते हैं मैप एक। ठीक
अच्छा वो मैप्स ना इस तरह के होते हैं कि सबसे पहले मैप तो बिल्डिंग का बहुत अच्छा सा हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा लिफ्ट कहाँ पर है, स्टेयर्स कहाँ पर हैं। लेट से फॉर एग्जांपल अपने घर का आपने मैप बनवाना है तो आप ये पता कर सकते हो कि जी आपने किचन किस तरह रखवाना है, आपने वॉशरूम किस तरह रखवाना है, आपने लिफ्ट कहाँ रखवानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज़्यादा फ्लोर रखवाए आपने स्टेयर्स क्या करना है, आपका जो पार्किंग एरिया है कार पार्किंग एरिया वो किस तरह बनवाना है, आपने गार्डन वगैरह कहाँ बनेगा, जाहिर है वो तो बाहर का सारा सीनरी होता है। तो ये सब कुछ हम मैप के अंदर रखवाते हैं, लेकिन इससे भी पहले एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, वो ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो ब्लूप्रिंट आपको बताते हैं कि भाई आपके घर का जो ढांचा होगा ना वो कैसा होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सर्च करूँ ब्लूप्रिंट ऑफ और ये उसमें होता है ना क्या कहते हैं यार ऑटो कैड। ये क्या होते हैं, इस तरह के ब्लूप्रिंट्स होते हैं ना बिल्डिंग्स के भी मैप्स। अगर लेट से आप देखो इस तरह के ब्लूप्रिंट्स होते हैं जो एग्जैक्टली ना लाइंस के थ्रू या इस तरह से एक मेजरमेंट के थ्रू काम कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप बकायदा ही बताते हो कि जी लेट से 10 फिट की जो है ना वो हमने दीवार हमने जो ना वो 10 बाय 10 का रूम रखा है। ठीक है, या हमने जो ना वो 15 बाय 15 का 20 बाय 20 फिट का जो ना वो रूम रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी जगह, तो आपने कहा यार मैंने 20 बाय 20 का रूम रखा है, फिर यहाँ पर ये गेट है, यहाँ पर ये डोर है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो एग्जैक्टली ब्लू प्रिंट के ऊपर क्या होता है कि ये बहुत सारी डिटेल्स मैंशन होती है। अभी यहाँ पे बहुत कम मैंशन है, मेरे सामने भी आ नहीं रहा, मैंने भी रिसेंटली देखा है एक जगह का। मैं सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एग्जाम्पल को ना शो करना चाह रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है कि ब्लू कलर में ही आता हो, जाहिर है इस तरह के प्रिंट्स होते हैं लेकिन ब्लू प्रिंट कहा जाता है, जो कि एक टेंटेटिव आइडिया होता है, जैसे कि जो कि हाथ से भी बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इनको किसी तरह से प्रिंट किया जाए या इनको किसी तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए तरीके से, इनको हाथ से भी बनाया जा सकता है। तो ये ना ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जिनके अंदर हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, लेट से हमें जो भी अपनी अपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या लेट से मेरे जो भी अपलेट से अपटेक की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी लैब्स बननी है। ठीक है, हर लैब का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ये एक टेंटेटिव आइडिया एक ब्लू प्रिंट के। फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 लैब्स बनेंगी तो एक लैब यूजुअली जो है ना वो इतने साइज की होगी, या अंदाजन जो है वो इसकी जो वो होगी क्या कहते हैं, एक लैब का अंदाजन जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, एक लैब का अंदाजन जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो हम डिजाइन डिसाइड करते हैं ना ये हम ब्लूप्रिंट्स के थ्रू डिसाइड कर रहे होते हैं। ये ऑटो कैड मैंने इसलिए ओपन किया क्योंकि मैं वो सर्च करते हुए डर रहा हूँ, तो हम इंटरनेट पर कुछ रिसर्च करते हैं तो कुछ अजीब सा ही ना ओपन हो जाए और ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो इसलिए सही। सो ब्लू इट जस्ट वर्क लाइक ब्लू प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो स्विफ्ट इन क्लासेस इन स्विफ्ट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्ट्स। यानी कुछ फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, कुछ फर्ज करो कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं ह्यूमन की। ठीक है, अब एक अंदाजा है कि ह्यूमन की हाइट ना तकरीबन 4 से 7 फुट के दरमियान होती है, 4 से 6 फुट के दरमियान होती है, 4 से 4.5 to 6.5 के दरमियान होती है। लेट से ह्यूमन की एक एवरेज हाइट है जो कि इतनी होती है। अब क्या होगा, कम से कम 4 हो जाएगी। ठीक है, और 4 से कम भी हो सकती है लेकिन एवरेज जो बता रहा हूँ वो 4 से 6.5 तक का है। लेट से तो क्या होगी, 7 भी हो जाएगी, यहाँ पे 3.5 भी हो जाएगी, जो थोड़ा सा ज़्यादा कम कद के होते हैं उनकी 3.5 भी हो जाएगी। ये एक टेंटेटिव आइडिया है कि भाई 4 से 5.5 या लेट से 4.5 से 6.5 हो गई, एक आइडिया एक एवरेज है जो कि हम आइडिया के तौर पे दे रहे हैं। लेट से मैंने कहा ह्यूमंस में नॉर्मल जो वेटेज है वो जो ना वो लेट से 50 से और 100 तक का होता है। अब लोगों के 120 130 भी होते हैं। ठीक है, लोगों के 40 45 में भी हो रहे होते हैं, बट 50 to 100 क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक ऐसा एवरेज है जो कि यूजुअल ज़्यादातर लोगों का होता है। तो ये टेंटेटिव आइडिया होता है, या अगर मैं कहूँगी यार ह्यूमन के अंदर कुछ वेट होता है, अब कितना होता है एग्जैक्टली उस तक नहीं पहुंचा मैं, या लेट से मैं कहूँ यार ह्यूमन की कोई हाइट होती है, ह्यूमन का कोई नेम होता है, किसी भी इंसान का कोई नेम होता है, किसी भी इंसान की कोई हाइट, उसका कोई वेट होता है, उसका कोई कलर टोन होता है। ठीक है, उसके कोई अगर मैं कहूँ कि
उसके और मल्टीपल फंक्शन होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनको हम डील कर रहे होते हैं यूजुअली। तो हम ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ह्यूमन के पास ये तमाम प्रॉपर्टीज है, ये तमाम जो है चीजें इंक्लूडेड होती है, सही है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली हमने वही वाली बात डिस्कस की। अब कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी होती है जो कि हम किसी क्लास के अंदर इनक्लोज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर स्विफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको ना वो बकायदा इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन वगैरह करनी नहीं पड़ती। अगर आप एंड्रॉइड के अंदर जाओ, एंड्रॉइड का सीन ये है कि उसके अंदर अगर आप क्लास बनाओगे ना, अगर आपने क्लास बना ली तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ता है, यानी जाहिर है इम्प्लीमेंट हम इंटरफेस को करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब स्विफ्ट में क्लास बनाते हैं तो हमें उसको इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं करना होता, लेकिन हम जब भी क्लासेस बना रहे होते हैं, अगर हम बात करें किसमें, हम स्विफ्ट उसमें एंड्रॉयड में बना रहे होते हैं, वहाँ पर हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है इंटरफेसिस वगैरह की, ठीक है। यार क्लास का जो ना वो ऑब्जेक्ट, देखो सीन है कि क्लास जो ना वो एक ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट का मतलब है आइडिया है कि ये ह्यूमन ये प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन असल में जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है अब उसका कलर टोन जो है वो ब्राइट है, ये जो ब्राइट है ना ये इसका ऑब्जेक्ट है जो रियल वर्ल्ड है, ये इसकी एग्जाम्पल है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो किसी भी क्लास की एग्जाम्पल होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कभी ह्यूमन से मिले, तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग कभी ह्यूमन से मिले हो? नहीं मिले, लेकिन तुम लोग इंसानों से मिले हो। लेट से अगर मैं कहूँगी हमास जो है वो किसी ह्यूमन से नहीं मिला, लेकिन हमास इंसानों से या फॉर एग्जाम्पल हमास इंसानों से तो नहीं मिला, लेकिन हमास फरहान से मिल चुका है, मैं मोहसिन से मिल चुका हूँ, मैं सरमत से, एजाज से, इरफान से, मुबीन से मिल चुका हूँ, लेकिन मैं कभी इंसान से नहीं मिला। आई एम श्योर तुम लोग भी नहीं मिले होगे। तुम लोग इंसानों की मिसाल, यानी वो बंदा जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि यार तुम बिल्कुल इंसान जैसे हो। कैसे इंसान जैसे हो भाई? कि तुम ह्यूमन की प्रॉपर्टीज रखते हो, ठीक है। अभी ह्यूमन को नहीं देखा है हमने, लेकिन कहते हैं कि यार तुम ह्यूमन की प्रॉपर्टीज रखते हो, ठीक है। कहते हैं ना कि यार तुम तो बिल्कुल उस जैसे हो। अब तुम वो नहीं हो, यानी तुम वो इंसान नहीं हो, या हो वो बिल्कुल हो, लेकिन क्या हमने कभी ह्यूमन को नहीं देखा, हमने उसकी प्रॉपर्टीज से बने हुए एक ऑब्जेक्ट को देखा है। जो ऑब्जेक्ट कौन है? जो तकी भी हो सकता है, जो इरफान भी हो सकता है, जो सरमत भी हो सकता है, जो एजाज भी हो सकता है, ठीक है। हम ह्यूमंस हैं, बट हमारे नाम है, हमें कोई ह्यूमन कह के नहीं बुलाता, कोई ये नहीं कहता अरे इंसान इधर आओ, पता नहीं कितने चले आएंगे, बस ये वाली बात है। हमारा यूनिक एक आइडेंटिफायर होता है जो कि हमारा नेम होता है, हमें उससे कॉल किया जाता है, बस ये वाली बात है। अब ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्लासेस के होने से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इनहेरिटेंस एक्वायर्स, इनहेरिटेंस वगैरह की जो ना वो प्रॉपर्टीज और लेट्स से क्लासेस हैं, ये क्या ये इनहेरिटेंस ये कर रही होती है कि आपके डेटा जो है वो एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जा सकती है, आपकी प्रॉपर्टीज ले जा सकती है। फिर इसके अलावा टाइप कास्टिंग इनेबल्स, टाइप कास्टिंग हो जाती है, जाहिर है आप जब ये जो हम बनाते हैं ना अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह, इन्हें टाइप कास्टिंग भी कह रहे होते हैं, मतलब इन्हें भी हम टाइप कास्टिंग यूजली इंक्लूड करते हैं। तो आप टाइप कास्टिंग के थ्रू जो ना वो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज वगैरह भी कर सकते हो। हाँ सेंटर ओपन है, मैं सेंटर से ही पढ़ा रहा हूँ भाई, सेंटर ओपन है, लेकिन वही वाली बात है स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल नहीं है। तो किसी काम से आप आ सकते हो, कोई बात करनी है, कोई इशू है, वरना वैसे नहीं। अच्छा फिर अगर आप देखो तो डी इनिशियलाइजर्स कैन, अच्छा ये डी इनिशियलाइजर्स क्या होते हैं जरा कोई बताए मुझे, डी इनिशियलाइजर्स क्या होते होंगे? डी इनिशियलाइजर्स क्या होते हैं जल्दी? किसी को पता है? जो चैट में नहीं लिख सकते माइक ओपन करके कहते हैं, और जो माइक में नहीं बता सकते चैट में लिखते हैं। चैट में इनिशियलाइज ना होते हो, क्या कह रहे हो? जो इनिशियलाइज ना होते हो, अरे डी इनिशियलाइजर, डी इनिशियलाइजर का मतलब समझ में ही आ रहा है कि जो इनिशियलाइज करा दें। सर जो जगह प्रोग्राम घेरता है इनिशियलाइज होने के लिए, जब ऑफ होता है तो उसको क्लीन अप करने के लिए होता है इनिशियलाइजर। एग्जैक्टली, ये कंस्ट्रक्टर्स के उलट होते हैं डिस्ट्रक्टर्स, याद आ गया?
जब कंस्ट्रक्टर में डेटा क्लोज होगा, या लेट्स से अगर मैं बात करूं मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो अब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब कंस्ट्रक्टर जब चल जाएगा तो हमने डिस्ट्रक्टर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जावा में भी सी शार्प में भी, कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली रन होता है। कब रन होता है, जब कंस्ट्रक्टर अपने ऑब्जेक्ट्स में सारी वैल्यूज वगैरह जो है वो इनपुट कर देता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट एंड हुआ, जो भी नॉन नेसेसरी डेटा होगा ना डिस्ट्रक्टर से उड़ा देगा, एक झाड़ू लगेगी डिस्ट्रक्टर सारा डेटा उड़ा देगा। बस ये वही वाइप करने वाला सीन है, जैसे डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का सारा डेटा उड़ा देता है ना, जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइजेशन होती है ना, ये मेमोरी क्या करती है, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ खत्म कर देती है। तो इस पूरे प्रोसेस को डी इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, इस पूरे फिनोमेना को डी इनिशियलाइजर कहते हैं। क्लासेस जो है वो डी इनिशियलाइजर्स भी होती हैं, जो कि अपनी इनिशियलाइजेशन के बाद जब उनकी यूजेज खत्म हो जाती है तो फिर डी इनिशियलाइज कर देती हैं अपने आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लासेस के और स्ट्रक्चर्स के, स्ट्रक्चर्स भी क्लासेस की तरह ही होते हैं, जरूरत पड़ेगी भी आगे देखने के, ठीक है। तो इनको देख लो जरा, फिर मुझे बताओ, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जी जरा देख के बताइए मुझे। ये वाले पॉइंट जरा पढ़ लें, मुझे बताएं कि क्या समझ में आ रहे, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। सब्सक्रिप्ट्स क्या होती है यार, ये जैसे कोई वैल्यू हो गई ना किसी किसी की भी चीज की, तो उसको सब्सक्रिप्ट भी कहते हैं। सर फंक्शनैलिटी आर एक्सपेंडेड बियॉन्ड डिफॉल्ट वैल्यू, इससे क्या मतलब होगा, क्या कह रहे हो, फंक्शनैलिटी आर फंक्शनैलिटी होती है ना वो इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है कि जितना हम सोचते हैं ना, यानी बियॉन्ड योर बियॉन्ड डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो सी से, तो सी में क्या होता है कि उसमें ऐसे क्लासेस हम नहीं बनाते, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह बना लेते हैं बट हम यूजुअली सी में क्लासेस नहीं बनाते, ठीक है। अब सी के थ्रू अगर आप काम करोगे और आपको कि यार मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू क्लासेस ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइजेशन इनहेरिटेंस के थ्रू काम करूं, तो सी में काम करने पर और इन लैंग्वेजेस में काम करने पर, सी में जो डिफॉल्ट वैल्यू आपको मिल रही है ना आपके प्रोग्राम लिखने पर, उससे कहीं कहीं ज्यादा आगे जो है ना किसी भी क्लासेस के साथ वाले लैंग्वेजेस में, क्लासेस यूजुअली अपनी प्रॉपर्टीज के साथ आती हैं, यानी अपनी जो फंक्शनैलिटी होती है इसमें इनहेरिटेंस हो गई, इसमें मल्टीपल जो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन हो गए ना, जब हम क्लासेस इन सब के साथ यूज करते हैं तो उनकी फंक्शनैलिटी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है, यानी आपको बहुत ज्यादा स्केलेबल क्लासेस मिल जाती हैं। फिर समझो क्लासेस, आपको पता है सी में भी क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट है, और सी में भी हम मतलब एग्जैक्टली वर्ड तो यूज नहीं करते, लेकिन हाँ एक तरह से वो क्लासेस ही होती हैं तो हम वो यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्लासेस जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे यहाँ पर स्विफ्ट हो गई, इसके अंदर बहुत बहुत ही कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट है क्लासेस का, यानी जैसे जावा हो गई सी शार्प हो गई इनकी तरह, इसमें भी बहुत ही कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट है अगर सी के हिसाब से देखें तो। ये सीन है, हम अभी भी तुम लोग देखते हो क्या, अब तो जावास्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई है, जावास्क्रिप्ट में भी अब कॉन्सेप्ट आ गए, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यार अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ अच्छे रहेंगे तो क्या होगा कि हमें फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, यानी हम फंक्शनैलिटी को बहुत बढ़ा सकते हैं इन लैंग्वेज के थ्रू। और बाकी नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास है इसका सिंटैक्स, तो सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है,
आपने क्या करना है, अब तुम लोगों के लिए एक छोटा सा काम है करना ही है तुम लोगों ने, कि देखो करना क्या है। करना यह है कि तुम लोगों ने एक क्लास लिखनी है और नेम एम्प्लॉय, ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टीज और ये फंक्शन होंगे जो क्लासेस तुम लोग बनाओगे। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज क्या होती है और तुम लोगों को पता होगा क्या होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है, और फंक्शंस भी क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज वो वेरिएबल होते हैं जो हम क्लास में बनाते हैं और फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो क्लास में हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास नेम, और सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास होगी लेट्स से नेम हो गया एज, हमारे पास लेट से थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी अपार्टमेंट हो गई, ठीक है, और डेजिग्नेशन, और यहां पर मेथड्स, मेथड जो है वर्किंग हो गया, ठीक है, और मेथड हो गया लेट से एम्प्लॉयर क्या करता है भाई, लेट से एम्प्लॉय जो है वो वर्किंग ही करता है यूजुअली, लेट से मैं कहूँगी एम्प्लॉय जो है ना प्रिंटिंग करते हैं या ये एम्प्लॉय जो है कोडिंग करते हैं, और डेवलपिंग या लेट से डिजाइनिंग, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आपका एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म करता है, और नथिंग न सिर्फ ये मेथड्स हैं सिर्फ वो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है ना वो आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो भी इंक्लूडेड है, तो ये प्रॉपर्टीज और ये मेथड्स, स्टार्ट कर दें और ऐसी क्लास बना के दिखाएं जिसमें ये सब कुछ हो रहा हो। वेबसाइट का नाम क्या है जी? स्विफ्ट प्लेग्राउंड की वेबसाइट का नाम, मतलब जो आपने न्यू निकाली थी, swiftfiddle.com, मैं दोबारा ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखो ये नाम है वेबसाइट का, ये देखो swiftfiddle.com, मैं ये चैट में लिख दे देता हूँ, समझो अगर ये काम हो गया ना अभी तो बस क्लास समझो 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, सिर्फ रह गया जाएगा सिर्फ एग्जांपल्स दिखानी रह जाएंगी। ये रहे आपके पास सिंटेक्स ओपन हुआ है यहाँ पे, इस सिंटेक्स की हेल्प से आपने काम करना है, मैं वेट कर रहा हूँ, शुरू हो जाए। सबने कोड करना है, जिसके पास कंप्यूटर सही नहीं है वो पेपर पे कोड करेगा, और जिसके पास कंप्यूटर सही है वो कंप्यूटर पे कोड करेगा, मैं सबकी स्क्रीन देखूंगा, और जिसने पेपर पे कोड किया है कैमरे के थ्रू उसका पेपर भी देखूंगा। और प्रॉपर्टीज कैसे मतलब रखेंगे वो थोड़ा, यार वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि भाई नेम एक प्रॉपर्टी है तो एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम नेम होगा, सिंपल,
सर मेथड्स का क्या रोल प्ले है इसमें ये बता दें। मेथड्स का ये रोल प्ले है कि किसी भी क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उस क्लास को एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो क्लासेस होती हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हो जाएंगी अगर मेथड्स ना हो। फॉर एग्जांपल अगर एक ह्यूमन है, अगर उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन हो, उसका कोई नेम हो, उसकी एज हो, उसका उसकी कोई सैलरी हो, उसका डिपार्टमेंट हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। जब तक उसमें कोई फंक्शन नहीं होगा कि वो चल सकता है, वो कोई कुछ खा सकता है, वो कोई मतलब पहले एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय के नाम से, पे वेरिएबल में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज दे देंगे, उसमें फंक्शन बनाते हैं और मेथड्स बना देंगे, और मेथड्स के अंदर ये तीन मेथड है। प्रॉपर्टीज हम लोग वेरिएबल में बनाएंगे ना, जैसे नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल में हमने नेम दे दिया, उसका आगे स्ट्रिंग दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल उसका फंक्शन क्लास के अंदर ही बनेंगे, जाहिर उसी क्लास में बनेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं क्लास बना तो उस पे आ रहा है क्लास हैज नो इनिशियलाइजर्स, जो क्लास का नाम दे रहा हूं ना मैं उस पे आ रहा है लिखा हुआ क्लास हैज नो इनिशियलाइजर, उसके ऑब्जेक्ट नहीं बने होंगे ना। अच्छा मतलब जब कंप्लीट हो रही क्लास तो एरर हट जाएगा, जाहिर है अपन क्लास को ऑब्जेक्ट बना दोगे तो फिर उसका इनिशियलाइजर बन जाएगा। इनिशियलाइजर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ओके सर चला जाएगा। देखो अभी क्लास तो एग्जिस्ट कर रही है, इशू क्या है कि उस क्लास के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, यानी उसका उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल उसकी नहीं है, यहाँ पर नजर नहीं आ रही, तो कंपाइलर कह रहा है कि भाई रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता दिखाओ। सही सर,
किसने बना लिया? किसी ने किया नहीं किया? सर मेरा तो लैपटॉप ही बंद हो गया पेपर पे और लाइट भी देख पेपर पे कर लो बेहतरीन हो गया। अब क्या मतलब सर देख के करना था ना पेपर और पेन निकालो येलो कोड ये रहा दिखा रहा हूँ ना मैं तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई कोड मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से सिंटेक्स होगा ठीक है और बताओ तुम्हें वेरिएबल का एग्जैक्टली सिंटेक्स बताऊँ कैसे बताते हैं हाँ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये लो तुम यहाँ पर आओ ये रही क्लास मैंने यहाँ पे क्लास के एग्जाम्पल भी किए ये लो स्टार्ट कर दो सर स्विफ्ट में प्रिंट करवाते हैं तो सिंटेक्स डॉट प्रिंट लिखते हैं क्या जी जी स्विफ्ट में अगर प्रिंट करवाते हैं तो किस तरह लिखते हैं प्रिंट लिखते हैं प्रिंट लिखते हैं सिंपल प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर बाकी चीजें जी बिल्कुल फंक्शन फंक्शन होता है यार सेट और गेट पे क्या होगा फंक्शन सिंपल फंक्शन बनेगा मैंने सेट और गेटर बनाने को थोड़ी कहा मैंने फंक्शन बनाने को कहा मैंने इसके लिए टर्म ही यूज नहीं किया हालांकि मेरे जहन में आया था कि मैं सेट और गेटर कह दूं लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी ना तुम लोगों की तो जो फंक्शन बनेगा वो सिंपल बनेगा और जो कोड होगा यहाँ पर वो क्लास का होगा और ये प्रॉपर्टीज आएंगी और ये मेथड यूज होंगे उसामा फर्रुख खान और एजाज तुम लोगों के पास इंटरनेट वो कंप्यूटर नहीं है ना एजाज के पास तो होगा चल गया सही है और फरहान के पास नहीं है तो फरहान और उसामा फर्रुख खान ये दोनों मुझे कोड करके दिखाएंगे पेपर पे मैं अटेंडेंस आज तभी लगाऊंगा जब मुझे सबके कोड सबका जो वर्क है वो नजर आ जाएगा किसी को ऑब्जेक्ट भी बनाना है तो ये देख लो क्लास का ऑब्जेक्ट भी इस तरह बनता है मोहसिन जरा तुम देखो तुम्हारे काम की चीज़ तुमने पूछा था ना अभी देखो ऑब्जेक्ट इस तरह बनता है हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं और उस इनिशियलाइजेशन के अंदर ना उसके अंदर हम पूरा मेथड पूरी जो क्लास है जाके इस तरह से रख देते हैं और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी सिंटेक्स मैंने शो किया हुआ ओके सर अब तुम कॉन्स्टेंट मत बनाना तुम चाहो तो वार बना लो मतलब तुम वेरिएबल रख लो कोई मसले वाली बात नहीं है बस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि तुम कॉन्स्टेंट या वेरिएबल कोई भी रख सकते हो वर्किंग के मेथड में और कोडिंग के मेथड में सारी चीजें मतलब इसमें क्या बताना है कुछ भी बता दो वर्किंग के मेथड में लिख दो द एम्प्लॉइज वर्किंग प्रिंट के अंदर और कोडिंग के मेथड में लिख दो द एम्प्लॉइज डूइंग सम कोड बस सर आपको व्हाट्सएप पे भेजूं सर आप मुझे व्हाट्सएप मुझे व्हाट्सएप पे
लेकिन मुझे आप पीएम कर दीजिए। क्या करना है आपको? पर्सनल मैसेज पे भेजना। पर्सनल पे भेजना। या अगर तुमने कंप्यूटर अगर तुमने कंप्यूटर किया यार पे माइक ऑफ करना। माइक ऑफ करना। हाँ या फिर अगर तुमने कंप्यूटर पे किया है तो फिर तुम मुझे ऐसा कर सकते हो कि शो कर सकते हो, मसला नहीं है। तो मुझे शो कर दो सिंटैक्स। मैंने आपको भेज दिया व्हाट्सएप, मेरे कंप्यूटर पे खुला हुआ है। चलो मैं देखता हूँ। और मुझे ये बताएं मेरी माइक में डिस्टॉर्शन आ रही है क्या? डिस्टॉर्शन नहीं आ रही। ये सीन हो रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वही रिपीट हो के मुझ तक भी आ रहा है तुम्हारे कंप्यूटर पर। तुम्हारी आवाज़ की तुम्हारी आवाज़ सही है। देखो अभी रिपीट हो रहा है। यार तुम लोगों ने क्या किया है? मैथला स्टार्ट हो गया, मैथला बैठे बैठे नेम हो गया, ठीक है एज हो गई, सरनेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, सही हो गया, सही है। मैं यहाँ पे चैट करने नहीं बैठा, मैं मात कोई तो जरा अपना कोड खुद से करो, या अगर तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है ज्वाइन नहीं कर सकते सो जाओ आराम से। ये लोग चैट करने नहीं बैठे हैं, बैठे यहाँ पर ये लोग अपना काम करने पर बैठे हैं, इनको क्लास लेने दो प्लीज। ये क्या चीज है भाई माँ दी? सबने कर लिया हो तो मुझे बता दें और दिखा भी दें। अगर तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो तो क्लास ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और बाकी के लिए भी। किया मुबीन बेटा कुछ किया नहीं किया? मुबीन अगर मेरी आवाज आपको सही नहीं आ रही तो बेटा इंटरनेट का आपका इशू होगा। मेरा इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है, मैं अपने फोन में भी कनेक्ट किया हुआ है मैंने, मैं बाय द टाइम उसमें सुनता रहता हूँ थोड़े थोड़े टाइम बाद ना, तो उसमें आवाज बिल्कुल भी नहीं कट रही है। मेरा वाईफाई कनेक्शन तो बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा मुबीन मुझे कोड तो करके दिखाओ ठीक, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। असल में सीन ये है कि मुझे मीट की भी स्क्रीन देखनी होती है ना कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, या अगर कुछ बात करनी है तो मैं भी कुछ आवाज़ का मसला हो रहा था, तो वो वाला मसला एटलीस्ट साथ साथ रहेगा ना तो हल होता रहेगा। सर हो गया अभी आप, आपको दिखा दूँ स्क्रीन शेयर करके? कौन कह रही है? मैं सरमद। हाँ सरमद स्क्रीन शेयर करो अपने। ये क्या अपनी स्क्रीन पे गया है या कॉपी में गया है, नोटबुक में गया है? मैंने स्विफ्ट एडेल पे किया। रुक जाओ मैं अपनी स्क्रीन हटा रहा हूँ, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो, स्टार्ट करो। या सरमद चाहो तो मुझे पिक्चर लेके व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टोपियां चेक करा हुआ मात की सर आपको नजर आ रहा है? रुक जाओ। हाँ बेटा आ रही है। सही अच्छा तुमने क्लास बनाई है, क्लास का नाम तुमने स्टूडेंट रखा है ठीक है, और देन तुमने वेरिएबल्स बनाए हैं, नेम हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गई, सही है बिल्कुल सही है। तुमने टाइप एनोटेशन भी यूज़ किए हुए यहाँ पर, ये जो लिखा है नेम के बाद
स्ट्रिंग हो गया इंटीजर, ठीक है ये भी सही है, सही ठीक है। चलो अब ट्राई करो कि इसका ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है। असल में तुम ट्राई करो, कोई टास्क नहीं है, लेकिन तुम ऐसे ही ट्राई करके देखो कि ऑब्जेक्ट किस तरह बनेगा इसका। मैंने ऑब्जेक्ट का भी सिंटैक्स शो किया हुआ है, लेकिन दोबारा मैं सामने कर देता हूँ तो स्टॉप कर दो। हाँ बिल्कुल कर दो, कोई मसला नहीं। मैंने ऑब्जेक्ट का भी सिंटैक्स शो कर देना है अभी तुम्हें। ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है ना, उसका भी सिंटैक्स मैं अभी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो क्या करोगे, डॉट करके प्रॉपर्टीज एक्सेस कर लोगे आराम से। मैं ये शेयर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ना नीचे वाली लाइन में ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंस। तो इंस्टेंस का मतलब वही ऑब्जेक्ट ही होता है। तो देखो मैंने लिखा लेट स्टूडेंट रिकॉर्ड इक्वल्स टू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास का नाम है हमारी, तो क्या होगा जितना भी डाटा होगा वो स्टूडेंट रिकॉर्ड में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अगर लिखूंगा ना मैं कि स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट, तो क्या होगा उसमें स्टूडेंट नेम भी आ जाएगा ऊपर वाला, ये वाला स्टूडेंट नेम भी आ जाएगा, मार्क वन भी आ जाएंगे और मार्क्स टू भी आ जाएंगे, ठीक है। तो तुम इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इसमें मजीद एडिशन कर सकते हो। सरमत की अटेंडेंस लगा दूंगा मैं, और इसके अलावा मैं एजाज की अटेंडेंस लगा दूंगा। ये दो लोग हुए जिन्होंने मुझे काम शुरू किया है। फिलहाल अभी तक मैं इसके अलावा किसी और की अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। फरहान, उसामा, मोहसिन कहाँ हो भाई? जी किधर आए? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फंक्शन के बीच में आएगा, ये क्लास के बाद बनेगा बेटा। जो हम क्लास बनाते हैं ना सिंपल, लेट से मैंने क्लास बनाई और क्लास के जो कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो गए उसके बाद ये नीचे आएगा। अच्छा, और फिर हम इसको क्या प्रिंट करवा दें या ऐसे ही रहने दें? फिर आप इसको प्रिंट करा दो। हाँ, ऑब्जेक्ट को प्रिंट, मतलब जैसे फर्ज करो तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का, अब तुम्हें एक एंटिटी को प्रिंट कराना है, तो जाहिर है तुम्हें पता है कैसे प्रिंट कराओगे। प्रिंट के फंक्शन में तुम लिख देना स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट नेम, तो क्या होगा नेम प्रिंट हो जाएगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट को यूजुअली प्रिंट कराते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा। ट्राई करो। वही कर रहा हूँ सर। हमास, फरहान, उसामा, मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा जब तक मुझे टास्क नहीं मिलेगा। मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ओके, आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। सही है, स्विफ्ट प्लेग्राउंड थोड़ा मतलब वो चलता है, लैग करता है क्या? ये जो स्विफ्ट फिडल है ये थोड़ा लैग करता है यार, ये थोड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत लैग है। असल में वही वाली बात है ना, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया होगा कि हम लोग एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म यूज करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ब्रिजेस बने हुए होते हैं। ये कंपाइलर पीछे कहीं स्विफ्ट का यूज कर रहा होगा, ये जिस सर्वर पर होगा ना वहाँ पे कहीं मैकOS इंस्टॉल्ड होगा, ये उसकी कुछ लाइबिलिटीज को यूज करके ना हमें ये कंपाइलेशन दे रहा है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं बग्स और एरर्स होते हैं इस तरह के सिस्टम में। तुम लोग अच्छा मुबीन है यार, फरहान, उसामा, मोहसिन, तुम लोग अच्छा है बेचारा, इतने कम टाइम आ रहे हो और पूरा करके भी दे दिया उसने। सर आप मुझे सिर्फ नेम रखने तो क्या यूज करेंगे, मतलब प्रिंट में? अगर तुम्हें नेम प्रिंट करना है
ऑब्जेक्ट जी ऑब्जेक्ट तुमने जो भी बनाया डॉट और फिर उसका नेम आ जाएगा स्टूडेंट डॉट नहीं देखो अगर मेरी स्क्रीन पे देखो ना तो ये मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड रखा हुआ है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट और फिर नेम या मार्क्स जो भी है वो करूंगा जो तुमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है हो गया आंसर आया कोई हाँ सर मैंने नेम सर्च किया जो भी मैंने नेम रखा था वो आ गया मेरे सामने गुड ठीक है मुबीन की भी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी अच्छा मुबीन सुनो सीन ये है हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम पहले लिखते थे वार या लेट से मैंने सिंपल लिखा क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू और फिर क्लास का नाम जो कंस्ट्रक्टर होता था अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है यहाँ पे देखो द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंस और अभी हमने बात की थी कि क्लास क्या होती है और किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं हम एम्प्लॉयज हैं तो हमारा ब्लूप्रिंट क्या होगी वो क्लास होगी हमारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही है और इस क्लास का जो एग्जांपल है इस क्लास की जो एग्जांपल है इस क्लास की जो इंस्टेंस है वो क्या होगा वो ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि ये क्लास असल में किसको रिप्रेजेंट करती है इस क्लास की जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो ऑब्जेक्ट है जैसे कि इसकी एग्जाम्पल भाई ह्यूमन की एग्जाम्पल भाई तकी हो सकता है मुबीन हो सकता है भाई हम्माद हो सकता है हम्मास हो सकता है फरहान है मोहसिन है ये एग्जाम्पल हो सकती है भाई इंसानों की ठीक है भाई एम्प्लॉयज की एग्जाम्पल है एम्प्लॉयज की एग्जाम्पल हो सकती है जी वो तकी हो सकते हैं सर फैजान हो सकते हैं जी सर हैदर हो सकते हैं मिस हैनी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग तो एग्जाम्पल होना और ऑब्जेक्ट होने में फर्क है कि एग्जाम्पल क्या होती है उसी क्लास की होती है अब हमने लिखा वार यहाँ पे लिखा हुआ है लेट स्टूडेंट रिकॉर्ड इक्वल्स टू स्टूडेंट ऊपर क्लास है ना स्टूडेंट के नाम से देखो क्लास डेफिनेशन वाली हेडिंग के अंदर ऊपर क्लास है स्टूडेंट के नाम से उसी की एग्जाम्पल नीचे गिवन है स्टूडेंट अब मैंने क्या लिखा ये स्टूडेंट रिकॉर्ड मेरा ऑब्जेक्ट है कल को अगर मुझे कुछ स्टूडेंट नेम या मार्क टू अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट और फिर जो है ना वो मार्क और मार्क टू और लेट्स से स्टूडेंट नेम है उसमें गेट करूँगा तो तुम्हें भी अगर अभी ऑब्जेक्ट बनाने ना तो ऐसे ही करना पड़ेगा कि तुम्हें लिखना होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड ठीक है इक्वल्स टू और फिर स्टूडेंट उसके अंदर स्टोर करा दो और फिर कल को तुम स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट करोगे तो उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो स्टूडेंट में थी पहले इस तरह से काम होगा छोटा सा सवाल एमवीसी का कि जैसे अब मुझे जैसे एक रिकॉर्ड है उसमें दो बार एक ही नेम आ रहे हैं सही है सही है उसको मुझे उसको एक ही बार कॉल करना है तो उसको उसके लिए क्या यूज मतलब क्या कर सकते नेम सेम है या फिर नेम डिफरेंट लोगों का है नेम सेम है जैसे अपॉइंटमेंट है ना अब एक अपॉइंट एक बंदे ने दो बार अपॉइंटमेंट ले लिया है एक ही डॉक्टर से सही है मतलब एक कुछ दिन पहले लिया था एक कुछ दिन बाद लिया लेकिन मुझे एक मैसेज पे मतलब जो लिस्ट आ रही थी ना सर उस पे मुझे सिर्फ एक चेक कराना है कि मतलब अगर ये बस इसका एक ही बार नेम है इसके अलावा दूसरी बार या तीसरी बार ना है तो इसके लिए क्या करूँ तो तुम सेम आईडी को दूसरा अपॉइंटमेंट अलाउ नहीं करो अपॉइंटमेंट तो ले सकते हैं ना सर उसकी वो टेंशन नहीं है लेकिन वो मैसेज पे ना जैसे चैट बनाया था मैंने तो चैट पे बस एक ही बार उसका नाम नजर आया अच्छा चैट पर एक ही मतलब नाम चाहिए तुम्हें नहीं या दो बार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक यूजर है तुम मुझे बताना अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो एक यूजर है जो कि तुम्हारा रिकॉर्ड जिससे तुम चैट में बात करवा रहे हो किससे सपोर्ट से डॉक्टर से जी यूजर डॉक्टर से बात कर रहा है चैट के थ्रू अब वहाँ पर अपॉइंटमेंट का डिस्क्रिप्शन जो है वह दो अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं पहले वाला भी और अभी वाला भी ऐसा ही है ऐसा ही है ना डिस्क्रिप्शन यानी कि नेम आ रहे हैं कि मतलब हां मतलब वही भी अपॉइंटमेंट लिया और बात हां वही मतलब मुझे सिर्फ एक ही बार उसको दिखाना एग्जैक्टली वही बात करना चाह रहा हूं तो तुम ऐसा तुम ये चाह रहे हो कि वहां पर एक मर्तबा का है तो तुम ये कर सकते हो कि करंट जो है ना करंट जो अपॉइंटमेंट एक्टिव है तुम वो अपॉइंटमेंट शो करवा दो यानी वहां पर जो अपॉइंटमेंट शो हो रहा है वो करंटली एक्टिव हो दो बार नेम आ रहे जैसे दोनों चेक हो चुके और डेटा में इंसर्टेड है और दोनों एक्टिव है जी और एक हो चुका है या एक दोनों ही नहीं हुए दोनों हो चुके दोनों चेक हो चुके दोनों हो चुके हैं यानी यूजर भी चेक हो चुके हैं यार ये कर सकते हो कि अगर आप एक सर्टेन डेट टाइम लगा दो कि भाई आपका जो रिसेंट ऑर्डर है जो फॉर एग्जांपल आपका जो जो भी आपने
क्या कहते हैं यार, अपॉइंटमेंट बुक किए, अगर टाइम और डेट के हिसाब से यानी रख दूं मैं तो। हाँ, कुछ ऐसा कर दो कि अगर जो आपका रीसेंट अपॉइंटमेंट है, फॉर एग्जांपल ऐसा अपॉइंटमेंट है जो मेरा आज का है, उससे जो है ना वो 24 घंटे के आसपास में जो भी अपॉइंटमेंट है सिर्फ वो नजर आए और बाकी नजर ना आए, तो अभी एक यूजर को अपॉइंटमेंट यूजुअली क्या मिलेगा भाई, 24 घंटे के आसपास तो नहीं मिलेगा जी। सिंपल, तो उधर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट उसकी कब थी, तो रीसेंट डेट पे लगाओ, रीसेंट डेट लास्ट डेट कौन सी है, मतलब रीसेंट डेट, तो उसके लिए कोई क्वेरी बता दें सर मुझे, दरअसल थोड़ा यार अभी एग्जैक्टली मेरे ज़हन में बात नहीं आ रही, मैं तुम्हें ना देख के बता दूंगा मैं दोपहर तक, अभी मेरे एग्जैक्टली ज़हन में बात नहीं आ रही कि इससे एग्जैक्टली क्या लगेगा, सही है मैं तुम्हें बता दूंगा दोपहर तक, बाकी तो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, बस ये एक ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो माशाल्लाह से पूरा है यार, तुम्हें आज बुलाना चाह रहा था मैं, सर प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे ऑफिस जाना है इधर से डायरेक्ट, मसला नहीं है, तो तुम्हारा अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं हो रहा क्या? नहीं सर, अभी वापस ऑफिस आना है, अभी शुरू शुरू में था बट अभी वापस हो गया। बेटा बोलो इनसे ध्यान रखें तो मसला मसला ना हो जाएगा। सही, चलो सही है, तुम प्रोजेक्ट तो सही था ना मेरा, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह अगर, हाँ प्रोजेक्ट वगैरह तुम्हारा सही है, बस तुम रेडी रहना क्योंकि अगर तो हम ट्राई करेंगे ना सैटरडे वाला इवेंट, अभी तुम सैटरडे वाले इवेंट के लिए रेडी रहना ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम रखो और अपने प्रोजेक्ट में और भी कुछ ऐड कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि यार ये कर सकता हूँ, एक हफ्ते में हो जाएगा या 2-3 घंटे लगेंगे और ये छोटी सी चीज़ ऐड कर दूंगा, कोई बटन ऐड कर दिया, कोई डिज़ाइन बेहतर कर दिया, तो लगे रहो जैसे भी बेहतर कर सकते हो ना करते रहो, जितना भी कर सकते हो करो, और ये है कि फिलहाल तुम सैटरडे के लिए रेडी रहो, जो भी अपडेट होगी ना फिर मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर, भाई सीन ये है कि हाँ बताओ, आपने बोला था ना कि PHP और React पे एक बंदा बना रहा है प्रोजेक्ट, हाँ वो चैट वाला ही था, हाँ वो चैट वाली था ना सर, वो तो पूरा छाप के बना दिया उन्होंने, मैंने उसी को तो इसीलिए तो उसको कोड का कहा, लेकिन असल में मसला ये था कि कल जब ये इवेंट हो रहा था ना तो मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं किसी वजह से हैदराबाद गया था, तो कल मैं रस्ते में था, ये जब मैं ट्रेवल कर रहा था तुम लोगों को शायद आवाज आ रही होगी, जो आवाज मेरी स्लो थी ना वो तो हाँ, तो वो विंड की हवा की आवाज थी, वो बेसिकली इशू ये था कि वो कल हम ट्रेवल कर रहे थे, वो गाड़ी किसी और की थी और उसका AC खराब हो गया था, तो मुझे आवाज थी वो हवा की थी, ये मसला है। अब कल मैं सही से बता नहीं पाया, लेकिन ये है कि उसको चेक करेंगे, देखते हैं उसको क्या सीन है, कि उसने सर आपने जैसे पूछा ना कि कोड वगैरह समझाओ तो उसने बंदी कर एंड कर दी उसने, मैं इसीलिए समझ गया था कि मुझे लग रहा है यार ये कहीं से इसने ना प्रोजेक्ट वगैरह कहीं से, एज इट इज PHP और React पे बना हुआ, YouTube पे डला हुआ है, अच्छा मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा है, अच्छा सही है, मेरा तो क्या ASP.NET पे, उस पर तो मैंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए तो उसकी वजह से मुझे अभी समझ आ गया, अगर कुछ मतलब कोई भी पूछ रहे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप जैसे कि कोई चीज़ छाप रहे हो तो वो बता नहीं सकता ना इतना, सही बात है, कहाँ से पता चलेगी, कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं किया होगा तो देख देख के लिख लिया होगा, नहीं सर यूट्यूब पे छाप छाप के मतलब देख देख के तो इंसान कर ही सकता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा समझ के तो काम करें ना उसमें, सही बात है, ये चीज़ क्यों, बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा भाई बाकियों से मुझे किसी का भी काम नहीं मिला है, मुझे मुबीन का काम मिला है, सरमत का काम मिला है, और सर सेंड किया आपको चेक करें व्हाट्सएप पे, मोहसिन आ गया, ये मोहसिन का काम आ गया, ठीक है, तो मुझे बस ये लोग मिले हैं जिनका मेरे पास काम अभी तक आया है, और बाकी लोगों का मेरे पास कोई काम नहीं आया, तो मैं मोहसिन की, सरमत की, एजाज की, मुबीन की, और बस और कोई भी इन लोगों के अटेंडेंस लगा, सर मैं अभी नहीं सकता, मैं आपको कैसे दूं काम, फरान तुम्हारे घर में नोटबुक है कोई, कोई कॉपी वॉपी है कहीं, सर तो घर में नहीं हूँ ना, कहाँ पर हो, मैं मैकेनिक की दुकान में बैठ के क्लास ले रहा हूँ यार, देखना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत माजर ये बिल्कुल भी ये चीज मैं एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सर आपको बताया था तो मेरे पीसी का मसला है, अभी पूछ ले आप किसी से भी, आपको भी घर पहुंचना चाहिए था ना, आपको चाहिए था आप घर पहुंच के क्लास में, यार अजीब इंसान हो, सोचना चाहिए ना इतना, तो एटलीस्ट कि अगला बंदा अगर तुम्हें कर रहा है तो तुम ऐसे